मैंने कुछ भी डेटा नहीं डाला था। ये स्लाइड मैंने जानबूझ के बनाया कि आफ्टर भरने के बाद कैसा दिखेगा। तो मैंने एक संपर्क की मीटिंग बनाने की कोशिश की थी 22 अप्रैल को। तो उस मीटिंग को देखिए, मैंने नाम डाला है और टाइम सिलेक्ट की है। इसको मैं कितने भी घंटे की मीटिंग बना सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है। देन नीचे मैं आपको हैंगआउट मीट में देखिए अब URL आ गया होगा और उसमें अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स भी दिख रहा होगा। इसके अलावा नीचे में रिमाइंडर्स भी सेट किया जा सकता है। जैसे हम भूल जाते हैं यूज करते वक्त, तो अगर हमने रिमाइंडर सेट करके रखा होगा तो 10 मिनट पहले आपको खुद ही नोटिफिकेशन और ईमेल आ जाएगा कि आपकी 10 मिनट में मीटिंग है किसी से, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और किसी से अगर आपने समय लेके रखा होगा तो आप दोनों को ही पता होगा कि हम दोनों को मिलना है और मीटिंग में ज्वाइन होना है। तो 10 मिनट इसको चेंज करके 30 मिनट कर सकते हैं। आपके इच्छा अनुसार ये टाइम आप सेट कर सकते हैं, उतने मिनट पहले आपको उसका रिमाइंडर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जो ऐड गेस्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वहां पे आप ईमेल आईडी डालिए और ऊपर जब आप सेव करेंगे तो सेव करते वक्त आपको वो पूछता है कि इनको सेंड करना है या नहीं करना है। कैलाश जी, लगे तो हम एक बार एंड में एक बार पूरा एक लाइव करके भी दिखा देंगे, एक हाँ हाँ मीटिंग करके। हाँ करुण जी, ये अच्छी बात कि स्नेहाशीष ने, हम लोग स्ट्रीमिंग का एक डेमो दे देंगे लास्ट में सबको कि स्ट्रीम कैसे हो रहा है। जी कल्याणी जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। हमारे लास्ट मीटिंग की तरह इज इट दैट लैपटॉप विल वर्क बेटर देन मोबाइल फॉर दिस ऐप ऑल्सो? यस, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वीडियो कॉन एप्स। लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स आर ऑलवेज बेटर देन मोबाइल। मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है और ये वीडियो कॉन कॉल में बहुत सारे स्क्रीन्स और बहुत सारे विंडोज होते हैं, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप हमेशा बेटर रहते हैं। और अगर आपके पास वेबकैम नहीं है डेस्कटॉप पे तो भी चलेगा। सिर्फ आपकी आपके आपका पास माइक और हैंडसेट होना चाहिए, हेडसेट होना चाहिए या हेडफोन होना चाहिए। स्नेहाशीष जी आगे बढ़िए। तो जैसे ही मैंने बताया कि मैंने वो एक मीटिंग क्रिएट कर ली, अब मेरे कैलेंडर में आप देखिए वो मीटिंग वहां पे आ गया है लिस्ट में और मैं उसको एडिट कर पा रहा हूँ। एडिट करने के बाद उस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक एडिट करने का ऑप्शन आया और वहां पे देखिए ज्वाइन हैंगआउट के जस्ट बाजू में एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो इसको क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं URL को। अगर आपको ईमेल आईडी के थ्रू मैसेज करना या फिर आपको कैसे किसी को ये भेजू ये तकलीफ मतलब ये समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसको कॉपी करने के बाद आप अगर आपके लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप होगा तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लिंक को शेयर कीजिए और कर सकते हैं। जैसे कैलाश जी ने आज सबको जो भेजा था उन्होंने यही प्रोसेस यूज की, उन्होंने कॉपी किया और वो URL हम सबको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे में ज्वाइन वाया बाय फोन है। ये एक चीज है जो जनरली US में पहले यूज होती थी कि US में कॉलिंग करने के लिए आप आपका मोबाइल फोन का नंबर के थ्रू कॉल कर सकते थे। अगर किसी ने स्काइप वगैरह यूज किया होगा अभी के इससे तो उनको ये चीजों के बारे में आइडिया होगा, लेकिन हमें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल यूज के लिए हमारा URL ही काफी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। URL को सिंपल भाषा में मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जो एड्रेस बार में लिंक होती है, जो हम ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में URL कहते हैं। URL कहते हैं और जी। URL ओके ही URL या मीटिंग लिंक या मीटिंग आईडी, ये गूगल मीट में ये तीनों चीजें वन एंड द सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। मीटिंग आईडी, मीटिंग URL और लिंक, जी, थैंक यू कैलाश जी। जी मोस्ट वेलकम। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगर यहाँ किसी को कोई प्रश्न ना हो तो। तो अब मैंने जो अगला स्क्रीन लिया है उस स्क्रीन में मैंने कोशिश की है कि जब ज्वाइन होते हैं तो जो अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे थे और उनका डायरेक्ट प्रेजेंट स्क्रीन शुरू हो जाता था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा स्क्रीन क्यों डायरेक्ट दिख रहा है। तो दो वे से ज्वाइन होते हैं, एक प्रेजेंट वे से और एक ज्वाइन वे से। तो अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट मीटिंग पे ज्वाइन होंगे और प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रेजेंट का स्क्रीन के साथ ज्वाइन होता है। तो वो ना करें जब आप खुद ओनर ना हैं उस मीटिंग के। तो दूसरी, एक लेफ्ट हैंड साइड के स्क्रीन पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। उन 3 डॉट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे अगर हमें माइक का इशू आ रहा है, अभी जैसे कुछ लोगों को माइक का इशू आ रहा होगा या कुछ लोगों को सुनने में या फिर आपके कैमरा में इशू आ रहा, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आगे की स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूंगा। राइट हैंड साइड का जो है वो एक मोबाइल का डेमो है।
कि मोबाइल पे किस तरीके से दिखता है, तो आपके इससे डायरेक्टली दिख रहा होगा माइक वीडियो और नीचे आस्क टू ज्वाइन। आप आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और वहां पे जो ज्वाइन नाउ बटन दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस ये है कि मैंने जो लैपटॉप है वहां से सेशन क्रिएट किया था और मोबाइल के यूजर को वो सेशन भेजा, मतलब मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी थी। तो मीटिंग बनाने वाले को ज्वाइन नाउ दिखता है और मीटिंग जो ज्वाइन करने के लिए जिसको आया है उसे आस्क टू ज्वाइन मिलता है। ये दो एक फर्क रहेगा जब आप कभी ज्वाइन करेंगे किसी मीटिंग को। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी चीज को मैंने करने की कोशिश की है कि वहां पे एक सेटिंग की बटन होती है जिसमें हम सेटिंग करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि हमारा माइक्रोफोन काम कर रहा है या हमारा स्पीकर काम कर रहा है क्या। ये मीटिंग में ज्वाइन होने के पहले हम लोग लैपटॉप से चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे इसके इश्यूज कम आते हैं तो उसके लिए थोड़े अलग प्रोसेस होते हैं, बट लैपटॉप में आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप बोल रहे हैं तो ये माइक आपका ऊपर नीचे होगा। जैसे अभी भी मेरा अगर स्क्रीन देखेंगे आप राइट कॉर्नर पे, तो उसमें वो ग्रीन कलर का जो बार्स है वो ऊपर नीचे हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये ज्वाइन होने के पहले। जो नीचे की टेस्ट बटन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिंगटोन सुनाई देगी। जैसे हम किसी को फोन करते हैं तो कॉल की आवाज आती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, तो उस तरीके की आवाज आएगी। तो ये आवाज से भी हम पता कर सकते हैं कि हमें हमारे इसमें आवाज। तो किसी भी मीटिंग में ज्वाइन होने से पहले आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका माइक और ये सारा चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप आपको उसको चेंजेस कर सकते हैं। बाजू का जो ऑप्शन है वो कैमरा का है, सेम इसी तरीके से कैमरा भी काम करता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपने मीटिंग ऑन की है, जैसे अभी ये कैलाश जी को आज ये जो 60-70 लोग जो भी ज्वाइन हुए हैं, ये कैलाश जी को खुद को करना पड़ा है आज, हम में से किसी को ये करना नहीं पड़ा। तो जब भी आप मीटिंग खुद अरेंज करते हैं तो जो भी ज्वाइन कर रहा है आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको कुछ सेकंड तक एडमिट नहीं किया तो वो ड्रॉप हो जाएगा कॉल सर, उसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। स्नेशी 1 मिनट, रवीना छाबरानी जी ने सवाल पूछा है, आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। तो मेरे ख्याल से उनको अनपिन और पिन का नहीं समझा होगा, तो पिन और अनपिन एक बार सबको बताइए, तो शायद उसमें काफी लोगों को दिक्कत जा रही होगी। देखिए, ऐसे तो इसका एक स्लाइड मैंने आखिरी में रखा ही हुआ है, तो भी मैं बता देता हूँ कि जिसको भी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है आप वहां पे जाइए, आपको एक स्नेहाशीष चंद्रा का नाम दिख रहा होगा और उसमें डोरेमोन की फोटो होगी। आप उस स्क्रीन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन दिखने लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है, आप खुद को क्लिक करेंगे और अनपिन कर देंगे, वो भी यहाँ आपको दिखेगा। तो आपको 3-4 लोगों के वीडियो दिखेंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिखेगी। राइट रवीना जी ये ट्राई करके देखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप चैट विंडो में डालिए। आगे स्नेशी जी बढ़ आगे जाएंगे बढ़िए। जी। तो हम लोग ये इस तरीके से हमें जो लोग मीटिंग अरेंज कर रहे हैं उनको, अच्छा उनको थैंक यू सो मच आया उनका। ओके जी, तो जब एडमिट हमने अगर किसी को कर दिया तो अगले स्क्रीन पे जाते हैं। तो मैंने एक डेमो करने की कोशिश किया कि अब उसके बाद क्या होता है। तो हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमें चैट ढूंढना होता है और हमें ये पता करना पड़ता है कि पीपल कहाँ दिख रहे होंगे। तो मैंने एक कोशिश की है कि देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा पीपल में 2 दिख रहा है, जैसे अभी आपको उसमें 52 दिख रहे होंगे। और उसके जस्ट बाजू में बटन है जिसको क्लिक करने पे हमें चैट विंडो ओपन होता है जहां से हम चैट कर पाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है दोनों चीज मोबाइल पे। लैपटॉप का मैं अगले स्क्रीन में दिखाता हूँ। और अगर आपको बोला जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन शो करना है मोबाइल से, तो आपको वहां पे एक आइकन आता है ऊपर में 3 डॉट, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन, जैसे मैं अभी मेरे मोबाइल से कनेक्टेड हूँ और मैं वहां से प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आप प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और फिर फॉलो करेंगे स्टेप्स को, तो आप इजीली आपका प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं आपके मोबाइल के थ्रू भी। ओके तो ये स्क्रीन पे, हाँ बोलिए बोलिए कह रहे थे। जी एक और चीज़ अगर इनको अभी शुरू में बता देंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है ना, तो काफ़ी लोगों के वीडियो ऑन है और काफ़ी लोगों के वीडियो ऑफ है, तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा किसका वीडियो ऑन है किसका वीडियो ऑफ है, थोड़ा सा बताएंगे?
जी प्रेजेंटेशन देखते देखते वो साथ में देखते देख भी किस किस किसी का उनको पर्टिकुलरली वीडियो देखना है तो वो देख सके। जी तो अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे आप पीपल के सेक्शन पे जा सकते हैं और पीपल के सेक्शन पे आपको उनका वीडियो दिखेगा। और अगर आप लैपटॉप में हैं तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको, अच्छा अभी रविंद्र जी ने वापस से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, तो आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको अलग अलग लोग दिख रहे होंगे, आप उनको क्लिक करके उनका वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही होगी तो नीचे कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और वहां पे जाने के बाद में आप जो ऑप्शन होता है उसका नाम, जस्ट सेकंड मैं आपको बताता हूँ, उसमें चेंज लेआउट, चेंज लेआउट में जाके आप साइड बार का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइड बार का सिलेक्ट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे सारे लोग दिखने लगेंगे। मेरे हिसाब से आयुषी जी को अब दिखने लगा है उनका। जी, तो देखिए पीपल विंडो में जाने के बाद आपको सभी लोगों के नाम दिखेंगे। अगर आप उस पर्सन को क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपको दिखेगा, और आप अनपिन कर देंगे तो आपको सब लोग राइट हैंड साइड पे दिखेंगे और प्रेजेंटेशन स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। जी ओके आगे बढ़े। यस तो अगला जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे मैं पूरा ये मीटिंग को कैसे चलता है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अभी जो लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे वो बहुत सारे इसी स्क्रीन पे सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे एक ही स्क्रीन पे आपको चैट दिख रहा होगा, पीपल्स दिख रहे होंगे, म्यूट की बटन दिख रही होगी, लीव मीटिंग की बटन दिख रही होगी, कैमरा ऑन ऑफ दिख रहा होगा और स्क्रीन शेयर भी दिख रहा होगा। तो आप इन बटन पे क्लिक करके आपको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। सिर्फ लीव मीटिंग की बटन ना दबाएं, नहीं तो आप मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। बाकी आप वीडियो बंद चालू करके देख सकते हैं, आप म्यूट अनम्यूट करके देख सकते हैं। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो शेयर होगा, लेकिन प्रेजेंट नाउ को अभी क्लिक ना करें, प्रेजेंटेशन का इश्यू हो सकता है। और चैट पे क्लिक करेंगे तो आपको चैट करते आएगा। तो लैपटॉप में देखिए कितना इजी है मैनेज करना देन मोबाइल में मैनेज करना, क्योंकि मोबाइल पे ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत छोटा स्क्रीन होता है और वहीं आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। आई वॉन्ट टू लीव, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उनको लास्ट में हम लोग फोन पे बात करके समझाएंगे, उनको बहुत दिक्कत जा रही थी। आप आगे बढ़ सकते हैं सन्याशी जी। जी ठीक है ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंटेशन, तो जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूं तो ये प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग एक प्रेजेंट नाउ की बटन होती है हमारे इसमें, जैसे मोबाइल पे मैंने बताया था कि प्रेजेंट नाउ का वहां होता है, लैपटॉप में प्रेजेंट नाउ की एक नीचे बार में आता है, उस पर क्लिक किया और आप विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रोम टैब कोई तो भी स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने विंडो को सिलेक्ट किया है और डायरेक्ट पावर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आपका शेयर, जैसे मैं अभी मेरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन दिखा पा रहा हूँ, ऐसे आप आपके क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये दो पार्ट अभी थोड़े से ट्रिकी थे। क्या कोई अपनी स्क्रीन से दूसरे की स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं, यहाँ से आप दूसरे की स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये टीमवेयर जैसा काम नहीं करता, बट आप उनको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, बस इतना ही प्रावधान है, और उनको अनपिन पिन कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, हाँ दूसरे सिर्फ की, व्यू व्यू होगा, एडिट और कुछ नहीं ऑप्शन रहेगा। हाँ आप ऑप्शन नहीं एक आएगा। दूसरे की स्क्रीन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप की, फोन की, या पर्टिकुलर कोई विंडो आपको शेयर करना हो तो सिर्फ वो विंडो भी शेयर कर सकते हैं। तो विंडो और स्क्रीन दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये अभी जो स्लाइड दिख रही है स्नैशिश की, उसमें वही है। ओके किसी से अपन इसके अंदर में पर्सनल चैट नहीं कर सकते ना? इसमें पर्सनल चैट का अभी तक मुझे ऑप्शन नहीं दिखा है, होगा नहीं कहीं। पर्सनल। हाँ अच्छा हाँ एक मिनट, ये ना स्नैशिज, ये गूगल मीट है तो हाँ गूगल वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्रोम में गूगल चैट करके जो उनका दूसरा ऐप है वो साथ में जी जी चालू रखोगे, तो
इट्स अ ट्रीवियल थिंग, मतलब आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम में एक विंडो में गूगल मीट चालू रखिए और दूसरे विंडो में गूगल चैट चालू रखिए या व्हाट्सएप चालू रखिए, तो आप पर्सनल चैट कर सकते हो। मोबाइल पे इनका गूगल चैट करके ऐप आता है। जी, हाँ, इनका गूगल मीट में आप प्राइवेट चैट्स नहीं कर सकते, ये एक इसमें गूगल प्रावधान है। मीट के, हाँ, गूगल मीट के अंदर नहीं कर सकते, पर उनका एक एडिशनल गूगल चैट करके ऐप है। ऐप है, ऐप है, राइट राइट। और किसी को भी क्वेश्चन है? थैंक यू सर। कल्याणी जी, हाँ, 1-to-1 कर सकते हैं इसके थ्रू। जी, एक जैसे हम 50 लोग ज्वाइन हुए, वैसे आप 2 जन भी दो ज्वाइन हो लोग सकते ज्वाइन हो हैं, जाइए तो 1-to-1 हो जाएगा। 1-to-1 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े हाँ, बढ़िया, आगे स्नेहाशी जी। जी। और किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और एक लाइव डेमो में करके दिखाई दूंगा, तो सो दैट आपको आइडिया आ जाएगी कैसे मीटिंग ज्वाइन और ये सारी चीजें होती है। ओके, तो ये सबसे आखिरी स्क्रीन है जिसका अभी पूरे मीटिंग भर में सबको इश्यूज गया होगा कि मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है या फिर मुझे जो भी हो रहा होगा। तो मैंने एक मोबाइल में करने की कोशिश की क्योंकि लैपटॉप में ये वाला इशू बहुत कम होता है, मोबाइल पे ज्यादा होता है, बिकॉज हम जब स्क्रीन पे क्लिक कर रविकांत तो जी, स्क्रीन मीटिंग प्रेजेंट मत कीजिए। उन्होंने कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, हम फिर से करते। कोई भी स्क्रीन शेयर ना करें मीटिंग के बीच में। स्क्रीन शेयर करने से स्नेहाशीष की स्क्रीन चली जा रही है और आपकी। आपकी स्क्रीन आ जा रही है। हाँ, यस श्रवस्ती जी, व्हाट्सअप 1-to-1s कैन बी कंसीडर्ड एज दी 1-to-1s। हाँ, कर सकते हैं जी। तो जब ये ऐसा इश्यू आ रहा है तो आप, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए पिन अनपिन का एक बटन क्लिक किया हुआ है, वहां पे देखिए उसका प्रेजेंटेशन का आइकन आ जाता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया है तो आप इस पीपल विंडो में आइए और वहां पे आपको दिखेगा हर एक के ऊपर क्लिक करने पे कि किसका प्रेजेंटेशन शुरू है। उस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में आपका प्रेजेंटेशन वापस से शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आपको वो प्रेजेंटेशन जैसे अभी उनको इश्यूज जा रहा था वैसे आपको वो इश्यू जाएगा। तो इसके बाद तो मेरा प्रिपरेटरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं एक लाइव सेशन करके दिखाना चाहूंगा कैलाश जी, अगर सब लोग रेडी है और 10 मिनट मुझे और अलाउ करे तो। हाँ, स्नेशी जी, मनोज जायसवाल का प्रश्न है, हाउ टू शेयर स्क्रीन। जी, गुड क्वेश्चन। तो मैं पीछे जाता हूँ जी। वहां पे आप अगर मोबाइल से कनेक्टेड है तो ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको एक मिनट, हाँ, राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे जिस पे आप क्लिक करके प्रेजेंट स्क्रीन का बटन आता है, और उसको क्लिक करने के बाद जो भी स्क्रीन आपको दिखानी है वो स्क्रीन आप दिखा सकते हैं। अभी अगर आप ट्राई करेंगे, अभी मत हाँ कीजिएगा ट्राई, हम लोग डिस्टर्ब होंगे, अभी हम मत लोग डिस्कस, कीजिएगा। आप एक बार इसको ट्राई, ये पीपीटी ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको वहां पे एक बार यूज करके देखिएगा, कुछ इश्यू हुआ तो मेरा नंबर है ही, आप उससे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप लैपटॉप में हैं, गुड। तो लैपटॉप में तो बहुत ही सिंपल है। तो लैपटॉप में देखिए नीचे में एक प्रेजेंट नाउ की बटन दिख रही होगी, उस प्रेजेंट नाउ की बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो शेयर का ऑप्शन देता है आपको, और वहां से आप आपका जो अगला मैंने स्क्रीन दिखाया था जिसमें आप विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं, और विंडो को सिलेक्ट करने के बाद में जो भी विंडो आप दिखाना चाहते हैं वो विंडो आप सिलेक्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और वो स्क्रीन पे दिखने लगेगा जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? शायद मैंने आपको आंसर किया है मनोज जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है सर, जो किसी का कॉल आता है तो मीटिंग के बाहर आ जाते हैं अपन। अभी मेरे रिसेंटली मेरा 4 बार हुआ है सर, तो उसके जी लिए कुछ ऑप्शन नहीं है क्या सर? उसके लिए मतलब मीटिंग के बाहर और रिज्वाइन करना पड़ता है अपने को? मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ मैं वैसे। अच्छा, अच्छा, मोबाइल पे यूज, कभी भी वीडियो कॉन कॉल मोबाइल पे नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। कोशिश करके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करनी चाहिए क्योंकि मोबाइल पे हमेशा बीच में डिस्ट्रैक्शंस, पॉपअप्स, कॉल्स आती रहेंगी। जी हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या आप स्नेहाशीष जी, अगर कोई वीडियो कॉल अटेंड कर रहा है मोबाइल पे और कॉलिंग हमको ऑफ करनी हो तो कैसे करेंगे एंड्रॉइड में?
एंड्रॉइड में करने के लिए बहुत टेक्निकल है वो, आपको रूट में जाके एक्सेस नहीं, बंद करना मेरे ख्याल पड़ता है। से मोबाइल की जो सिम है ना, हाँ मोबाइल सिम उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए और वाईफाई पे आप वीडियो कॉल के अटेंड कीजिए। जी, वो एक तरीका है, एक प्रावधान वो करके देख सकते हैं। नहीं तो फिर एक ही तरीका होता है कि जिसमें आप फ्लाइट मोड पे भी इंटरनेट चला सके, ऐसा एक सेटिंग होती है, बट वो हर फोन पे नहीं होती है। नहीं हो पाएगा सर, उसमें भी मैं वाईफाई पे यूज कर रहा हूँ एक्चुअली, सिर्फ अच्छा, नेटवर्क सिर्फ उसमें। वाईफाई ऑन रखिए और अपने मोबाइल की सेटिंग्स में सिम को बंद करने का ऑप्शन दीजिए, हाँ, मोबाइल डेटा एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ेगा सर, ऐसा करना एरोप्लेन पड़ेगा। मोड पे, हाँ, एरोप्लेन मोड पे वाईफाई भी बंद हो जाएगा ना, वो वाईफाई नहीं दिक्कत। चलता आपको, सिम बंद। एरोप्लेन सिम डीएक्टिवेट का ऑप्शन होगा, मोबाइल नेटवर्क्स करके ऑप्शन होता है, वहां पे जाके सिम को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन होगा। हर एंड्रॉइड में वर्जन के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक, और किसी को कोई प्रश्न है? ये ट्रेनिंग के बाद हम सब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप गूगल मीट यूज करके अपने संपर्क के किसी फ्रेंड या किसी फ्रेंड के साथ 1-to-1 कीजिए, और फिर उसमें से कुछ दिक्कतें आती हैं अगर आप में से किसी को, तो श्याशीष या मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो जब तक आप ये सेटअप खुद नहीं करके देखेंगे एक दो फ्रेंड्स के साथ, तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। एक दो बार आप खुद कर लेंगे तो आप बड़ी कॉन्फिडेंस से इसको यूज कर पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। पूछ सकता है? हाँ बिल्कुल। हेलो, ठीक है, करूं बात करूं? हाँ हाँ करूँ जी, जी, चलिए बोलिए चलिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे टैब से करने की। कैलेंडर में हाँ गया, वहाँ पे स्टार्ट और एंड आ गया, लेकिन हाँ वो नहीं आ रहा है जो आपने बताया था। तो एक बार लाइव आप पूरा बताए तो ज़्यादा बेटर होगा ऐसा मुझे लगता है। यानी शुरुआत से जी अगर ठीक मैं, है। मेरा मोबाइल पूरा ब्लैंक है और तुम्हारे, मैंने मीट जो है गूगल मीट वो भी डाउनलोड कर रखा है और कैलेंडर भी है, तभी मुझे बताइए कि मैंने सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है जो आपने जी, बताया था आप उसमें। कैलेंडर पे ओके ठीक है। करुण जी, आप अभी मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं या लैपटॉप से एक्सेस कर नहीं, रहे हैं? मेरा स्क्रीन तो मैं मोबाइल पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, साथ में मेरे हाथ में टैब है जिसपे मैं ये कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक, इनके पास दो डिवाइस है अभी हाँ, दो डिवाइस है जी। हम करो। दोनों की जस्ट वांट सेटिंग टू हो गई है। कंफर्म, आपका टैब फुली अपडेटेड है क्या न्यू वर्जन पे? डन नया वर्जन है, नया टैब है विद फुल इंटरनेट और दूसरे नंबर के साथ में, समझो कि डन अपने देन, कम्युनिकेशन से कोई बेसिकली दिक्कत नहीं उनके है। पास दो मोबाइल डिवाइस है विद नेटवर्क। या स्नेशन जी, एज अ जनरल आप लाइव करके लैपटॉप और मोबाइल, मोबाइल में एंड्रॉइड का स्पेसिफिकली लाइव करके थोड़ा दिखाएंगे? आप जी, मैं अपनी कोशिश करता स्क्रीन, हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर दीजिए, पहले जी लैपटॉप का बताइए और फिर मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपना विंडोज शेयर ना, ओके हाँ, जैसे मेरा स्क्रीन लोड होता है मुझे बताइएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन नाउ। यस, दिख रहा जी, अब मैं मेरे मेल आईडी पे जाता हूँ और मेरे मेल आईडी पे मुझे यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं। करुण जी, आपके लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है आपके इसमें, डायरेक्ट कैलेंडर पे। तो आप कैलेंडर के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली, और मैं जैसे ही कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ, मैं जैसे कैलेंडर पे जंप करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक क्रिएट कैलेंडर का ऑप्शन आता है, और मोबाइल पे इसी तरीके का एक प्लस साइन नीचे दिखता है, और अगर टैब यूज कर रहे हैं तो उसमें भी क्रिएट कैलेंडर का एक बटन होता होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक इवेंट ओपन होता है जहाँ पे आप देख पाएंगे। और मैं अभी उसको मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया हूँ, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैंने एक मीटिंग क्रिएट की संपर्क, और संपर्क को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे इसमें पहले से ही है गूगल मीट का कॉन्फ्रेंसिंग, तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा एक लिंक क्रिएट हो जाता है, meet.google. और अप टू 250 पार्टिसिपेंट। अब मैं यहाँ पे मेरा बना चुका हूँ, और जो कि अभी राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं राहुल जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। और
इस तरीके से मैं पूरा जी बोलिए। स्नेहशी जी, जो आपने गेस्ट ऐड किए ना, मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहूंगा। ये गेस्ट ऐड करने का पर्पस ये है कि यहाँ से लोगों को नोटिफिकेशन ईमेल जाता है और जी कोई पर्पस नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को ऐड नहीं करेंगे तो वो मीटिंग एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे हाँ कि अभी रूम में 55 लोग हैं, तो मैंने अपने उसमें क्रोम में किसी को भी ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं किया है, दो तीन लोगों को ऐड किया जस्ट ट्रायल के लिए। लेकिन मीटिंग में जाने के लिए आपको सिर्फ लिंक होना जरूरी है, जो करेक्ट मीटिंग आईडी है दैट इज इनफ। जी और यहाँ पे गेस्ट में ऐड करना कंपलसरी नहीं है। किसी ने भी सवाल पूछा था कि हाँ। ऐड होने के लिए ईमेल सबका होना जरूरी है क्या, तो सबका ईमेल नहीं होना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं है जी, वो मैं दिखाता हूँ कि वो यूआरएल भी कैसे ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे अभी इसे सेव किया, और यहाँ पे जैसे अगर मैं किसी गेस्ट को कर रहा हूँ इनविटेशन, तो उसे सेंड कर सकता हूँ, तो ये राहुल जी को वो चले जाएगा। और यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ वापस कैलेंडर पे, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन गूगल मीट का जो आ रहा है, और मैं जब वहाँ पे होवर कर रहा हूँ, तो मतलब जब मेरा माउस लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे राइट हैंड साइड पे कॉपी कॉन्फ्रेंस लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ, और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे बाकी की इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर सकता हूँ कि हाँ ये सब कुछ सही है। और मैं डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप ऑन करके कैलाश जी को इस तरीके से लिंक भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे, और कुछ एक इंफॉर्मेशन उनको बता सकता हूँ कि इस तरीके से आप हमें ज्वाइन करें करके। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यही मीटिंग को दूसरे ब्राउजर पे ऑन करने की कोशिश करता हूँ, और उस ब्राउजर पे आपको चला के दिखाता हूँ कि मीटिंग को ज्वाइन करते वक्त में किस तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो मैं ये अभी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और कट कर लेते हैं अभी प्री का प्रेजेंटेशन, और मैं एंटायर स्क्रीन को ले रहा हूँ सो दैट आप मेरा दूसरा ब्राउजर देख पाए। तो आप सबको मेरा दूसरा ब्राउजर दिख रहा है? कैलाश जी दिख यस वी रहा है ना? कैन सी यस यस यस, दिख रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जब मैं आया, तो इसने मुझे डायरेक्टली पूछ लिया कि मुझे अलाउ करना है या फिर इसे नहीं करना है। तो मैं अभी के लिए, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होगा तो मैं इसे नॉट अलाउ कर रहा हूँ, और अभी के लिए माइक्रोफोन्स को बंद रख रहा हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग पे क्लिक करके अपने इसका ऑडियो सेटिंग और माइक्रोफोन ब्लॉक ये सारी चीज़ों को चेक कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि इसमें मैं ज्वाइंड नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक मिनट, देखिए अब देखिए मुझे यहाँ पे बटन आ गया है ज्वाइन नाउ का, क्योंकि ये मीटिंग मैंने खुद ने बनाई थी, और मैंने ये इसलिए पहले लॉगिन करके दिखाने की कोशिश किया कि जैसे आपने मीटिंग बनाई है तो आपको कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ से जब इसे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप खुद मीटिंग पे ज्वाइन हो चुके हैं। और अब मैं एक दूसरा ये करता हूँ जिसपे जो यूजर अभी तक के ज्वाइन ना हुआ हो, मैं उसे ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये जिसको आप ये लिंक भेजेंगे, वो जब ज्वाइन कर रहा होगा तो उसे इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे और आस्क टू ज्वाइन मांगेंगे।
तो जैसे ही हम आस्क टू ज्वाइन मांगेंगे, हमें यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आ रहा है उसे एडमिट करने का, और मैं जब एडमिट करूंगा तो वो दोनों जन अब कॉल पे ज्वाइन हो चुके हैं और वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ हाय लिखा, तो उसी तरीके से यहाँ आप आएंगे तो उसे भी ये मैसेज दिखेगा। तो दो जन ज्वाइन हो सकते हैं और दो जन एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अभी मैं एक ही लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, इसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं एक माइक मतलब एक ही माइक और एक ही कैमरा से दोनों जगहों पे नहीं दिखा पाऊंगा स्ट्रीमिंग। अदरवाइज इस तरीके से हम लोग मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। श्रेयाशीष जी, जी मैंने जो आज का कॉन्फ्रेंस का इवेंट क्रिएट किया, मैं उन वो शेयर करके सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा। उसमें स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है तो उनको उसकी भी आइडिया आ जाएगी। जी ठीक है ना, वैसे भी मेरा हो गया है। मैं बस एक करुण सर से पूछ लूंगा कि उनको समझा क्या। समझ में आ गया, लेकिन वो URL जो है वो नहीं क्रिएट हो पा रहा है मेरे इसमें, लेकिन अभी पब्लिकली नहीं, मैं आपसे पर्सनली एक बार कॉल करके पूछ लूंगा। पूरा सेशन डिस्टर्ब ना कीजिए उसके लिए। करुण जी, एक दो और लोग हैं जिनसे मैंने भी पर्सनल चैट पे बात की, उनको भी बहुत दिक्कतें हो गई। तो लास्ट में हम जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, उन चार पांच लोगों को रोक के ही फिर ये सारे इश्यूज सॉर्ट होंगे। नहीं, कंफर्टेबल, इसलिए बोला ना, सेशन चलने दीजिए, मैं लास्ट में उस चीज को ये कर लूंगा। हाँ, अभी जैसे सामने जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये श्रेयाशीष अपने घर से बैठ के शेयर कर रहा है। अभी मैं अपने घर से बैठ के अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, अपनी स्क्रीन का एक विंडो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैलेंडर दिख रहा है, गूगल कैलेंडर स्नेहाशीष दिख रहा है आपको? हाँ जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, तो जैसे स्नेहाशीष ने बताया कैसे इवेंट क्रिएट करते हैं, तो जो आज का इवेंट है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल को हम अटेंड कर रहे हैं, इसको मैंने कैसे क्रिएट कर किया था और वो क्या इवेंट है वो अभी आपके सामने खुला हुआ है। इसमें गूगल मीट, जैसे ही ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज गूगल मीट, ये टाइटल है, टाइमिंग डेट सब डाला हुआ है। ज्वाइन विथ गूगल मीट के नीचे जो URL है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, ये एरो को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें मीटिंग URL और मीटिंग ID, अगर आप मीटिंग URL और मीटिंग ID को ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद लाइव स्ट्रीम का एक ऑप्शन है, लाइव स्ट्रीम की लिंक है इसमें। मेरे पास जो जी स्वीट का फुल पैक है वो मैंने चालू किया है। अभी ये जी स्वीट का 30 सितंबर तक फ्री में भी है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग 30 सितंबर तक कर सकते हैं। मैंने जी स्वीट में वो जाके लाइव स्ट्रीम एक्टिवेट किया है, वो डिटेल टॉपिक है, वो कैसे एक्टिवेट करते हैं जी स्वीट में, वो आपको अलग से ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो लाइव स्ट्रीम के नीचे एक लिंक दी हुई है, ये लिंक जो है इस पर अपनी जो ये ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग को 1,00,000 लोग देख सकते हैं विदाउट बीइंग इनसाइड द मीटिंग। लाइक जैसे आप लोग अभी मीटिंग के अंदर हो, चैट कर पा रहे हो, वीडियो और माइक शेयर कर पा रहे हो, ये आउटसाइडर्स के लिए स्ट्रीम लिंक है, उन लोगों के लिए जिनको अपने को मीटिंग के अंदर नहीं बुलाना है, लेकिन उनको TV के जैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं वैसे ब्रॉडकास्ट करना है। तो ये जो लिंक है मैंने कॉपी की, और ये लिंक देखेंगे, मैं फेसबुक पे गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया फेसबुक पे ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज गूगल मीट। तो जैसे ही वो लिंक अपन पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है साइन इन गूगल अकाउंट्स। तो ये टेलीकास्ट देखने के लिए लाइव उनको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अपने कोई भी जीमेल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा। देखिए, तो मैंने गूगल आईडी अपन पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है साइन इन गूगल अकाउंट, वहां पे म्यूट कर लीजिए सर, देखने के लिए लाइव। तो आप समझ पा रहे हो कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो लाइव स्ट्रीम पे 1 या 2 मिनट बाद जा रहा है, तो इसीलिए वहां पे 1 या 2 मिनट बाद फिर से वही चीज जो मैंने बोली है वो सुनाई दे रही थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ये हो गया लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग की जो लिंक क्रिएट की है मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ चैट विंडो पे। चैट विंडो पे गए, यहाँ पे
चैट में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप ये वाली जो लिंक है कॉपी पेस्ट करके अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा पे कॉपी पेस्ट करके डालिए, वहां पे डालेंगे और पोस्ट करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सब ये स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। इस पर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, चैट विंडो पे भी पूछ सकते हैं स्ट्रीमिंग के बारे में। कोई प्रश्न नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जो तीन डॉट हैं अगर उनको क्लिक करें तो स्टॉप स्ट्रीमिंग एक बटन आ रहा है और स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। स्नेशीज देख पा रहे हैं आप? हाँ मैं देख पा रहा हूँ जी। तो अगर मुझे ब्रॉडकास्ट या स्ट्रीमिंग बंद करनी है तो मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगी, और अभी जो हमारी करंट ये ट्रेनिंग चल रही है वो उसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देख सकते हैं एक REC रिकॉर्ड का बटन है, तो ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी जिसको हम ड्राइव या कहीं पे भी रख के आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के बारे में था मेरी तरफ से, और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ कोई प्रश्न नहीं है तो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। जिन लोगों को दिक्कतें जा रही है, जिनको कुछ पर्सनली जैसे भी करुण या जयंत हड्डे जी इन लोगों को कुछ बैठ के सॉर्ट आउट करना है तो वो रुक सकते हैं, फिर हम उन लोग के साथ बैठ के पर्सनली उनके इश्यूज सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू। बाय बाय सूरज जी, थैंक यू। प्रदीप जी थैंक यू, शेरिल, हर्षद डामले, राहुल बजैत, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनिरुद्ध आठवले, अंकुश लोहिया, वसीम बद्दर, विजय जी, प्रशांत, प्रणिता जैन, रविंद्र चौधरी, प्रीत भाटे, सुबेश मौले, कल्याणी जी, रहमान जी, अनुराग, अनुराग जी, थैंक यू, थैंक यू, सुमित जैन, हैव टू मीटिंग। विल हर्षद जी बोल रहे हैं कि विल मीट सून इन संपर्क फेस टू फेस मीटिंग। जिनको कुछ पर्सनली बैठ के सॉर्ट आउट करना होगा वो रुक जाए, बाकी जिनको कोई प्रश्न नहीं है दे कैन लीव। थैंक यू अमर। तो मनोज जी को हाउ टू बताइए, बताइए जी। आप आपके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो एक उल्टा हैंगअप का बटन होगा जिसको क्लिक करेंगे तो आप लीव मीटिंग कर सकते हैं। तो मैं मेरा शेयर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस बटन को क्लिक किया तो लीव कॉल होता है। ओके जी, नीलेश जी और करुण जी है। आपकी आवाज नहीं आ रही कैलाश जी, आप म्यूट हो चुके हैं। हेलो, हाँ रूम के अंदर अभी आप और
तीन लोग छोड़ के हम 9 लोग हैं टोटल। अच्छा 9 लोग हैं अभी भी। हाँ करुण जी हैं, मनोज जी हैं, नीलेश जी हैं, प्रशांत जी हैं, श्रावस्ती हैं, श्रेणिक हैं और सुरेंद्र हैं। जी हाँ बोलिए सर, मैं शुरू करूं? हाँ जी, आपका माइक ऑन है, आप बोलना चाहते हैं? अभी देखिए इवेंट पे आया मैं कैलेंडर में। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं करुण जी एक बढ़िया बात बताऊं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, प्रेजेंट नाउ में जाइए। तो मेरे मोबाइल पे से करूं ऐसा कहना है? नहीं आप लैपटॉप में कीजिए। नहीं, जिस भी डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं करुण जी, जिस पे आप ये कैलेंडर खोलेंगे उस डिवाइस पे प्रेजेंट नाउ क्लिक करो, तो आपको आप उस पे भी कॉल पे बताते जाएंगे। उस पे भी मीट होगा तो उस पे कॉल पे ज्वाइन हो जाइए। हाँ उसमें है मीट। हाँ उसमें मीट पे कॉल पे ज्वाइन हो जाइए, वही सेम लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप मीट पे आएंगे। नहीं उस पे मेरे को व्हाट्सएप पे लेना पड़ेगा, वो दूसरे ग्रुप में हूं मैं। तो मैं आपको मीटिंग आईडी बोलता हूं, आप मीटिंग आईडी टाइप कीजिए। बताइए एक मिनट, है ना? ये मीटिंग बताइए सर, मीटिंग कोड आई आई एम देन डैश रहेगा देन स्पेस हां नहीं डैश डैश छोटा वाला अपना हाइफन हां देन यू बी ई क्यू एक मिनट सर, डैश उसके बाद में यू बी ई क्यू देन अगेन डैश देन डी टी जेड जी ज्वाइन कीजिए। कैलाश जी को अलाउ करना पड़ेगा। आ गया जी। अब वहां पे शेयर स्क्रीन कीजिए, अब वहां का माइक। हाँ माइक लिख सकते हैं। एक मिनट स्पीकर आमने सामने आने से आवाज आ रही है। एक मैं आप एक पे यहाँ का ऑडियो ठीक है। हाँ कीजिए। अभी इसको कैसे करूँ? वहां पे देखिए शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर इशू हो रहा है तो इसको लेफ्ट कर दीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए। हाँ जी। अभी वहां पे देखिए आपको शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा होगा, नीचे देखिए प्रेजेंट नाउ का बटन आ रहा है। स्नेहशीष जी करुण ने मीटिंग छोड़ दिया शायद अभी। नहीं, दूसरे मीटिंग से, दूसरे से ज्वाइन हुए। आ गए जी करुण जी। अच्छा माइक माइक अनम्यूट कीजिए। इसमें कहाँ आ रहा है शेयर स्क्रीन? तीन डॉट वाले पे? हाँ तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, देखिए वहाँ प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आएगा। हाँ प्रेजेंट स्क्रीन ठीक है। हाँ प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट नाउ। आ गया मेरा स्क्रीन? हाँ आ गया आपका स्क्रीन। अभी मैं एक मिनट, मैं अभी जा रहा हूँ कैलेंडर पे। आप स्लाइड बैक करेंगे जाएंगे? कैलेंडर दिख रहा है मेरा? नहीं अभी तक तो नहीं। साथ करना पड़ेगा आपको। हाँ? इस एप्लीकेशन से बाहर जाना, इस एप्लीकेशन से बाहर जाना पड़ेगा। वो जो मोबाइल के नीचे जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना। हाँ नहीं उसके बाजू में ही, वही बोला था अभी, कैलेंडर पे आ गया हूं मैं। नहीं आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट प्रेजेंटिंग। आ गया सर स्क्रीन? आ गया क्या मेरा? नहीं वो एरोज है, एक तीन डॉट है। हाँ आ गया, आ गया आपका। नहीं नीलेश जी ने अपना क्लिक कर दिया प्रेजेंट से। नीलेश जी आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करिए दो मिनट, अभी करुण जी का शॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा करुण जी का आ गया है।
एक मिनट था, वो फिर से चले गया था, मैं कर रहा हूँ फिर से इसको। आ गया क्या सर? अभी आपका ये दिख रहा है हमें, गूगल मीट दिख रहा है, नीचे वो तीन डॉट्स है और एक एरो की बटन। हाँ आई आई है कैलेंडर पे। हाँ कैलेंडर पे ये प्लस पे गया मैं, इवेंट पे क्लिक कीजिए। इवेंट इवेंट क्लिक किया जी, टाइटल पे क्लिक किया, सॉरी नीचे आइए, नीचे लिया। हाँ आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है नीचे, नहीं आ रहा है ना कुछ भी? नहीं। ठीक है आप उसको बना लीजिए, पहले मीटिंग को बना लीजिए, फिर हम करते हैं उसको एडिट। ये ठीक है, अभी ये हो गया, डेट डाल दिया मैंने अभी का, टाइम है समझो 9 बजे का। इसको सेव कर दीजिए, सेव कीजिए, इसको सेव किया। ओके अब उस पे क्लिक कीजिए, ये 23 तारीख में सिटी पे क्लिक किया। हाँ एडिट कीजिए उसे, वहां पे देखिए आइकन, नहीं नहीं उसके बाजू में छोटा, अच्छा छोटा पेंसिल का बटन, देखिए वहां नीचे में ऐड लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऐड लोकेशन क्लिक कीजिए। ऐड लोकेशन यहां क्या लिखूं? नहीं यहां नहीं, यहां पे नहीं हो रहा आपके से गूगल एडिट। सुनिए ना, सुनिए ना करुण जी, जो भी डिवाइस पे आप ये गूगल कैलेंडर रन कर रहे हैं, वहां पे पहले तो दो चीजें कीजिए, गूगल कैलेंडर को अपडेट कर दीजिए प्ले स्टोर से, और दूसरा वो डिवाइस पे गूगल मीट भी इंस्टॉल होना चाहिए। गूगल मीट भी इंस्टॉल है और ऐप जो है वो अभी अपडेटेड है, जस्ट 5 मिनट पहले अपडेट किया, इधर बात कर रहा था, इधर एक बार और अपडेट किया उसको मैंने। ओके चलिए ठीक है ना सर, मैं एक बार पूरा बंद करके शुरू करके देखता हूँ, फिर आपसे एक बार फिर से कर लूंगा। सुरेंद्र जी आपको कुछ पूछना है, आपका माइक ऑन है। हाँ 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 हाँ, मेरा सवाल है कि जैसे आप भी गूगल से बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं गूगल मीट में। हाँ बोल, आपकी बहुत शोर आ रही है सुरेंद्र जी, आपकी आवाज में बहुत शोर आ रही है। अब आ रही है सर क्लियर आवाज? हाँ बोलिए सर, क्लियर आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सवाल ये है कि जो लोग मेरे से गूगल मीट से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी लोकेशन पता कैसे करेंगे? लोकेशन सुरेंद्र जी, जो आदमी गूगल मीट पे अभी लॉग इन करके अपने से बात कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है वो उसकी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो वो उसका अधिकार है कि वो हमें शेयर करना चाहेगा कि नहीं। अगर वो चाहेगा तो आपको गूगल मैप्स पे जाके डिवाइस पे वहां से लोकेशन शेयर कर सकता है, बट आप बैठ के नहीं जान सकते कि वो कहाँ पर बैठा है। सुरेंद्र जी आप ये शायद इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं जिस एम्प्लॉय के साथ आप वीडियो कॉल कॉलिंग कर रहे हैं वो अभी कहाँ पर खड़ा है, ये इसीलिए पूछ रहे हैं आप? यस 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 करेक्ट करेक्ट। वो पर्पस के लिए दूसरे एप्स आते हैं, फाइंड माय डिवाइस और इस तरह के, तो वो यूज करने पड़ेंगे, उससे आपको लोकेशन पता चल जाएगी डिवाइस की कि वो कहाँ पर है। नीलेश जी आपको हम देख पा रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे? हाँ सुन रहा हूँ। करुण जी, स्नेहशील जी, मैं जब तक करुण जी का प्रॉब्लम ना अपने मोबाइल पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ और करुण जी को दिखाता हूँ कि कैसे वो आती है गूगल मीट का ऑप्शन। जयंत हडे जी ऑनलाइन है, उनको शुरू से कुछ दिक्कत जा रही थी, तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, जब तक आप उनकी हेल्प करते हैं। कैलाश जी मैं एक बार है ना मेरे इस पे पूरा करता हूँ, कल सुबह वापस से मैं एक बार बात करूंगा आपसे, अभी मैं दोनों डिवाइस को रिफ्रेश करके पूरा बंद करके शुरू करके करता हूँ एक बार। मैंने भी मोबाइल एंड्रॉइड यूज करके मीटिंग कनेक्ट की है, तो जहाँ पे ऐड लोकेशन ऑप्शन आ रहा था ना वहाँ पे आता है, वहाँ पे ज्वाइन हैंगआउट्स या कॉन्फ्रेंस करके ऑप्शंस आते हैं, ज्वाइन कॉन्फ्रेंस या ज्वाइन हैंगआउट्स करके आते हैं, तो आपके कैलेंडर में ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ एक बार उसको। हो सकता है कि जो एंड्रॉइड का प्री इंस्टॉल्ड कैलेंडर होता है पुराना वाला, वो शायद आप वो वाला खोल रहे हैं, प्ले स्टोर से जाके एक अपडेटेड कैलेंडर मिलता है जो अलग से है। दोनों भी डाउनलोड किया कैलाची मैंने, अभी बाइट बाइट सब कर लिया।
मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है चलो मैं निकलता हूँ सर। चलिए 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 जैन जी आप आपको अनम्यूट कर पाएंगे। वहां पे देखिए एक बटन है, आपके स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा और उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट कर पाएंगे। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखना चाहिए वो। जी जी जैन जी अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक माइक्रोफोन का ऑप्शन आएगा जिससे आप क्लिक करेंगे तो वो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, आपको उसको क्लिक करना है तो आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को। इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, अगर आप आपके कैमरा में जो भी दिख रहा है ऊपर के पोर्शन उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ओपन होगा और उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप माइक को अनम्यूट कर पाएंगे। इट इज नॉट गेटिंग अनम्यूट बोल रहे हो, आपने क्लिक करके देखा उसे? हाँ अभी हो गया। मुझे इशू ऐसा है कि जब मैं स्टार्ट किया, आपने जब मीटिंग स्टार्ट किया उस वक्त मेरा ऑडियो कहाँ से कनेक्ट करना, मेरे को ऑडियो का बटन ही नहीं मिल रहा था। मैं उसको ढूंढते ढूंढते ही मैं इतना समय लगा मुझे कि तब तक आपके मीटिंग एडवांस इतनी हो गई कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं समझा। अच्छा ओके ओके, मतलब मेरे लिए जीरो है जी। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं और एकदम क्विकली बताता हूं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। श्याशी जी एक मिनट, हम लोग देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन कौन और बचा है, तो अगर उनके काम की इन्फॉर्मेशन है तो उनको भी हेल्प कर देते हैं। जी, जी। शिव नारायण जी आप हमें सुन पा रहे हैं? शिवनारायण जी आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं शिवनारायण जी नहीं है, मैं उन्हें रिमूव कर देता हूं, अगर उन्हें जरूरत होगी तो खुद ऐड हो जाएंगे जी। तो बस अभी हमारे साथ जैन थर्डे जी हैं जी। तो जैन जी आप मोबाइल से ही ज्यादातर करेंगे कि लैपटॉप से करेंगे? मेरा लैपटॉप मेरे स्टाफ के पास है वर्क फ्रॉम होम के लिए। जी जी ठीक है। और तो, डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप में मेरे पास में ऑडियो नहीं है। अच्छा ठीक है जैन जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ओके ठीक है जी। मैं दोबारा से मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट अ सेकंड। तो ये मेरा भी स्क्रीन ऑन हो रहा है। हाँ जी जी, जब मैं आया था तो आप यहाँ पे थे जी। तो अभी जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमें हम लोग सीधा मोबाइल स्क्रीन पे ही चलते हैं। ये हमारा लोड हुआ मोबाइल ठीक है। अब यहाँ पे कैलेंडर का एक ऑप्शन होता है ओके, आप इसमें गूगल कैलेंडर होता है मोबाइल पे,
आप उस कैलेंडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो बीच की स्क्रीन दिख रही होगी उसमें देखिए एक प्लस टाइम दिख रहा होगा एकदम नीचे में, मेरे राइट। आप जैसे उसको एक मिनट में इंटरप्ट, जब मैं मीट चालू करने के लिए जब मैं ऐप ओपन कर रहा हूं तब ये स्क्रीन आता है सामने? नहीं देखिए दो वे है, एक है कि आपको किसी ने मीटिंग स्क्रीन में भेजी, ये स्क्रीन मुझे कब दिखा देता है? हाँ ये स्क्रीन तब दिखेगा, ये स्क्रीन तब दिखेगा जब आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है। ओके हाँ और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी की रिक्वेस्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, वो भी मैं बताता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी ये जो स्क्रीन है यहाँ से आपको अगर मान लीजिए मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप क्या करेंगे, आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, देन प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो राइट हैंड कॉर्नर पे इवेंट का दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तीनों पे करना है? हाँ मतलब एक के बाद एक स्टेप है सर, पहला कैलेंडर पे क्लिक करना है, देन प्लस साइन पे क्लिक करना है और देन इवेंट पे आना है। जैसे हम इवेंट पे आए हमें इस तरीके का एक स्क्रीन दिखेगा। ओके और इस स्क्रीन पे हम लोग टाइटल डालेंगे और नीचे में कॉन्फ्रेंसिंग के सेक्शन पे हम लोग ऐड कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे और उस कॉन्फ्रेंसिंग को जैसे ही हम लोग हैंगआउट मीट को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का यूआरएल क्रिएट हो जाता है सर।